हेलो दोस्तों, टेक एंड ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जब भी हम लोग ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह या ऐसा कुछ चीज़ भरते हैं, इसमें लिमिटेशन रहती है कि उनको इतने ही केवी के अंदर का ही फ़ोटो चाहिए या सिग्नेचर चाहिए या ऐसा कुछ भी इमेज जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए, 20 KB के अंदर होना चाहिए, ये लिमिटेशन रहती है। तो हम लोग अगर कितना भी उसका रेजोल्यूशन डाउन करते तो भी वो उतने केवी का नहीं हो पाता। तो इसी को आज हम बताएंगे कि कैसे हम उसको मिनिमम से मिनिमम साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कोई एक फ़ोटो लेते हैं, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव रखा है, ये मैं फ़ोटो ऑनलाइन से निकाला हूँ, ओपन करते हैं। मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ कर रहे हैं सिमिलर, मान लीजिए इस पर क्रॉप कर रहा हूँ मैं, ये हमारी फ़ोटो है। इमेज साइज़ जो है हमने देख लेना है कि कितना कर सकते हैं, कितना छोटे में छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 3.3 करते हैं, ये हमारा लगभग ये साइज़ का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो गया। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहाँ पे JPG में सेव कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं सर पासपोर्ट JPG। ठीक है, इसका कंप्रेस तो देखते हैं यहाँ पे कितना है। यहाँ पे देखिए 10 12 क्वालिटी, ओके। अब इसकी साइज़ चेक करते हैं कि कितनी साइज़ है। तो इसका देख सकते हैं 28 KB है। ठीक है, तो हमारी ये फ़ोटो छोटी हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे भी छोटी चाहिए रहती है, तो उसके लिए क्या करना है, अब इसको और कितनी हम छोटी कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम KB के अंदर। तो इसके लिए और इसको सेव फॉर वेब कीजिए, यानी एक्सपोर्ट में जाइए, सेव फॉर वेब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सबसे कम में कम होगा। देखिए ये हमने कर दिया JPG हाई। ठीक है, अब इसको सेव कर रहे हैं कंप्रेस टू। अब हम इसकी फाइल साइज चेक करते हैं, तो देख सकते हैं आप ये 5 KB का हो चुका है। यानी 5 KB तो किसी वेबसाइट की लिमिट नहीं रहती, यानी 20 KB तो मिनिमम होता ही है। तो ये आपको किसी भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना यही है कि चाहे कितनी भी बड़ी फाइल है, उसको आप कम सेव फॉर वेब जब भी करते हैं तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी साइज़ और बड़ी कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो ओरिजिनल रेजुलेशन या जो साइज़ थी, इस पे हम सेव करके देखते हैं। सेव फॉर मतलब एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, कंट्रोल शिफ्ट एस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 66 KB की साइज़ हो रही है। इसको और भी कम कर सकते हैं मीडियम करके 31 KB। ठीक है, तो ये बड़े रेजुलेशन में भी आप इसको बड़े रेजुलेशन में भी रख के भी कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए ये 32 KB, और ये बड़ी साइज़ है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, और इसकी साइज़ कितनी है 32 KB, यानी 50 KB के अंदर है। तो आप इतने बड़े भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है या ये ऐसी कुछ चीज़ है। तो ऐसा ना कीजिए कि आप उसको एकदम रेजुलेशन डाउन कर दीजिए कि वो एकदम ब्लर हो जाए। तो आप ऐसे करके इसको कंप्रेस कर सकते हैं उस वेबसाइट पे अपलोड करने लायक लिए। कभी कभी 10 10 MB की फ़ाइल होती है, फ़ोटोज़ खींचे हुए होते हैं, और वो कंप्रेस होके मतलब 200 KB के अंदर चाहिए रहता है। तो अभी वो चीज़ें जो है 10 MB या 5 MB के आसपास है, वो 200 KB के अंदर भी आ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल फ़ोटो है जो 769 KB की है, और ये देख सकते हैं कि 32 KB की है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और तब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।